हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारी, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही फटाफट से बनने वाली रेसिपी लेके आए हैं। तो चलो, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोभी मटर और गाजर की सब्ज़ी। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फटाफट से बन जाएगी। सर्दियों में अगर गाजर की सब्ज़ी ना खाई तो फिर आपने क्या खाया। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसके लिए सारी सब्जियों को बढ़िया तरीके से कट करके धुल के रख लिया था। तो हम चलो शुरू करते हैं सब्जी बनाना। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया। इसके बाद मैंने इसमें हींग ऐड कर दी है। हींग हमारी थोड़ी भुन चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर दिया जीरा, एक चम्मच हमने इसमें जीरा ऐड किया। जीरा भी बढ़िया तरीके से हमारा चटक जाएगा। तो जीरे को हम एक मिनट के लिए चटकने देंगे। बढ़िया तरीके जीरा हमारा चटक चुका था। तो मीडियम साइज़ की एक हमने प्याज, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली थी, वो भी हमारी अच्छे से भुन चुकी हैं। प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया है। इसके बाद जो भी हमने सब्जियां कट करके रखी थी वो हम सारी सब्जियों को इसमें ऐड कर देंगे। मसाले अभी हम ऐड नहीं करेंगे। पहले हम अपनी सारी सब्जियों को थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे 10 मिनट के लिए। तो हम इसको अच्छे से उलटते पलटते बढ़िया तरीके से सारी सब्जियों को हम कर देंगे मिक्स। पहले हम अपनी सब्जियों को थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे। तो हमारी सब्जियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी। इसके बाद मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर ऐड कर दिया इसमें। इसको भी हम थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे। अभी हम इसको अच्छे से सॉफ्ट होने देंगे। अभी हम मसाले इसमें ऐड नहीं करेंगे। मसाले हम इनको बाद में ऐड करेंगे। इस तरीके से अगर आप सब्ज़ी बनाएंगे बहुत ही जल्दी, बहुत ही फटाफट से हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो जाती है। तो मैंने इसमें 1.5 चम्मच नमक ऐड कर दिया है। इसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। थोड़ा सा इसमें गर्म मसाला, थोड़े से इसमें धनिया हमने ऐड कर दिए हैं। इसके बाद मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें मसाला वसाला भूनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही जल्दी से हमारी ये सब्ज़ी बन जाती है। तो हमने सारे मसालों को अच्छी तरीके से हम मिलाएंगे इसमें। सारी सब्जियां बढ़िया तरीके से मिलाते हुए पहले हमने उनको थोड़ी देर भून लिया था। तो उससे हमारी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। तो मैंने हल्दी इसमें थोड़ी सी और ऐड कर दी है, क्योंकि मुझे हल्दी थोड़ी कम लग रही थी, इसलिए हमने थोड़ी हल्दी और ऐड कर दी है। हम इसको अच्छे से, फिर मैंने थोड़ी देर के लिए इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था ऐसे ही खुला। तो 5 मिनट बाद मैंने इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है। इसको भी हमने चला के अच्छे से ढक दिया है। हम इसको 10 मिनट बाद अब चेक करेंगे। तो हमारे 10 मिनट हो चुके थे। एक बार हम सब्जियों को बढ़िया तरीके से चला देते हैं तो आप देख सकते हैं सब्जी में कलर कितना बढ़िया आया है। खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैंने सारी सब्जियों को लटते पलटते फिर से एक बार चला दिया, कि चलाना बहुत ही ज़रूरी होता है सब्जी को, इसलिए मैंने 10 मिनट बाद एक बार सब्जी चेक कर ली अपनी। तो अभी इसमें पानी भी है, अभी सब्जी हमारी अच्छे से गली भी नहीं है। तो मैंने फिर से इसको ढक के रख दिया है। तब 10-5 मिनट और हो गए थे। तो मैंने सारी सब्जियों को देखा तो हमारी सब्जी सारी गल चुकी थी अच्छे तरीके से। मैंने इसको खुला थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि हल्का हल्का इसमें पानी था। तब तक मैंने इसमें बहुत ही सारे धनिया ऐड कर दिए हैं। हम इसको थोड़ी देर 5 मिनट खुला और पकाएंगे, क्योंकि सब्जियां तो हमारी सारी गल ही गई हैं। थोड़ा पानी इसमें एक्स्ट्रा है, पानी के लिए हम इसको 5 मिनट के लिए और अच्छे से चलाते हुए बढ़िया से धनिया वनिया मिक्स करते हुए अच्छे से हम इसको चलाएंगे। गाजर की सब्ज़ी बहुत ही सर्दियों में टेस्टी बनती है, बहुत ही स्वादिष्ट। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मैंने धनिया को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है, लेकिन अभी हमारी गैस नहीं बंद हुई है, क्योंकि थोड़ा सा पानी इसमें आपको भी दिख रहा होगा। हमारी सब्ज़ी 5 मिनट बाद एकदम से बढ़िया तैयार हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी सब्ज़ी तैयार हुई है। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है हमारी। गाजर की सब्ज़ी सर्दियों में बहुत ही टेस्टी बनती है।